ये श्री सांवलिया जी का मंदिर है जो करीब 200 बीघा जमीन में फैला हुआ है। मंदिर मंडल ने 16 गांवों की जिम्मेदारी ले रखी है। सड़क हो, शिक्षा हो या फिर चिकित्सा, सभी में सांवरा सेठ के नाम का पैसा लगा हुआ है। कई सालों से यहाँ के सभी कार्य सांवलिया मंदिर मंडल के खजाने से ही होता है। करोड़ों रुपए, सोने चांदी और उनसे बने गहनों का चढ़ावा पाने वाले सांवरिया सेठ शुक्रवार को जलझूलनी एकादशी पर भक्तों को दूर से ही दर्शन देंगे। बदली परिस्थितियों के बावजूद दैनिक भास्कर इस खास मौके पर सभी भक्तों को पहली बार 360 डिग्री एंगल से दर्शन करा रहा है। जलझूलनी एकादशी पर भले ही भक्तों का प्रवेश निषेध है, लेकिन मंदिर को भव्य स्वरूप में दुल्हन की तरह सजाया गया है, जिस प्रकार हर साल मेले के दौरान सजाया जाता है। यह परंपरा सालों से चली आ रही है। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर।